हिमाचल में जिला सिरमौर के गांव धौलाकुआ के 73 वर्षीय किसान भूरा राम की कहानी भी गजब है। पहले ये जिक्र करना जरूरी होगा कि भूरे राम की पत्नी उनके हर कार्य में बराबर की भागीदारी है। उसने अपने हाथों से जिस तरह से खेतों को संवारा और सजाया है, उसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। वैसे तो हमने हिमाचल के हर खेत में हर जगह पर औरतों की भागीदारी मर्दों से अधिक देखी है। भूरे राम ने अपने 3 एकड़ के भूभाग को पौधशाला का रूप दे रखा है। इस पौधशाला में 5 दर्जन से भी अधिक फल और मेडिसिन प्लांट की पौध तैयार करके बेचते हैं। साल भर में पौधे बेचकर लाखों की कमाई करते हैं। कितने ही कलम बेचते हैं? हम पौधे साल में 10,000, 12,000, 15,000 पौधे। कितने किस्से होते हैं? हाँ जी, क्या उसका प्राइस क्या है? प्राइस उसका जी आजकल तो 50 रुपए का है जी। भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के किसान भी इनके दम पर बागोबाग है। सच मानो तो किसी भी स्कूल में नियमित शिक्षा ना पाने वाले भूरा राम जी बागवानी का जीता जागता ग्रंथ। कितना पढ़े हैं? मैंने तो सर मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं जी, मैं तो 5 से भी कम पढ़ा हूँ जी, कोई 4 जमात पढ़ा हूँ जी, बहुत कम पढ़ा हूँ जी। इन्होंने 12 वर्ष तक बागवानी विभाग में डेली वेज में काम किया। मेहनताना बहुत कम मिलता था, इससे परिवार का गुजर बसर मुश्किल था। तब इन्होंने अपनी पुश्तैनी खेती को रुख किया। सन 1978 में शुरुआत सब्जियों से की। जब देखा कि नौकरी से कहीं अधिक आमदन खेती से हो रही है तो मन जमने लगा। इनको लगा कि जो कुछ ये अपने खेतों में कर रहे हैं उससे बहुत अधिक कमाई होने वाली नहीं है, सो समय को भाप कर पौधशाला स्थापित करने का मन बनाया। नई सोच ने खूब रंग दिखाया, उम्मीद अनुसार आमदन और बढ़ी। बढ़ती खुशहाली से उत्साहित होकर पूरा परिवार काम में जुट गया। जब इन्होंने नए ढंग तरीके अपनाए तो अपार सफलता मिली। बढ़ती मांग को देखकर जब 1996 में 5 बीघा खेत पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की तो फल भी बिका और पौध भी। अधिक आमदन पौध बेचकर हुई। भूरा राम ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के हर जिले में जाकर स्ट्रॉबेरी की पौध लगवाई। इस वर्ष लगभग 15 लाख रुपए की आमदनी स्ट्रॉबेरी से हुई। इससे पूरा परिवार उड़ रहा था। नया मकान, नई गाड़ी, नए साजो सामान के साथ मित्रजनों और परिजनों की शुभकामनाएं भी मिली। मैंने सुना है कि स्ट्रॉबेरी में आपने बहुत पैसा कमाया। हाँ, स्ट्रॉबेरी में मैंने शुरू में बहुत पैसा कमाया जी। फल से ज्यादा मैंने कोई 15 लाख रुपया मैंने 5 बीघे से कमाया जी। एक एकड़ से जी। और वो जो था स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा मैंने पौधों में पैसा कमाया जी। उस टाइम भी मैंने 1 सवा रुपए का पौधा दिया है, कोई 15 लाख रुपए मेरे पास उसका आया हुआ। और तो फिर पौधे बेच के ज़्यादा कमाया या फल बेच के? पौधे बेच के ज़्यादा पैसा कमाया जी। बताते हैं कि इस काम के बदले सरकार ने उन्हें 46 बार सम्मानित किया है। अब इस मामले में इनका पुत्र हेमराज भी पूरा ज्ञानी है, उसे भी डॉक्टरी कहा जाएगा। उससे आगे हेमराज का पुत्र और पुत्री भी पूरा साथ देते हैं। इनकी पौधशालाओं में फलों की तमाम प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिनकी गिनती करना बड़ा मुश्किल काम है। इनमें सबसे अधिक आम की प्रजातियां हैं। कलमें जो हैं इसमें कौन कौन सी तैयार होती हैं? कलमें जैसे सिट्रस में तो कागजी नींबू है, किन्नू है, संतरा है, मौसमी है। अच्छा। और फिर आम में अन्य प्रजातियां हैं जैसे दशहरी, लंगड़ा, मालदा, चौसा, पुरानी वरायटियाँ, अब तो अमरपाली, मलिका, अल्फांसो, केसर और भी नई वरायटियाँ लाए हैं। अभी उसका भी उपचार हो रहा है। सेब में जो अभी 2 वरायटियाँ हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक अन्ना वरायटी है और दूसरी डोरसेट गोल्डन, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो यहाँ का क्या जो वातावरण है वो सेब के लिए सूट करता है? ये लो हाइट की मौसम के लिए ही सूट है। भूरा राम बताते हैं कि इन्होंने हिमाचल में हर जगह पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, लेकिन हर जगह पर फंगस, भाव, उल्ली रोग का सामना करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, सो उस सूरत में जगह बदलनी पड़ती थी। बाद में वैज्ञानिकों ने इसका समाधान सुझाया कि विस्टन और डायथिन को पानी में घोलकर स्प्रे करने पर इस रोग से छुटकारा मिल सकता है।
इस बात की पुष्टि डॉक्टर ओपी शर्मा और डॉक्टर सरजीत सिंह कंधारी भी कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती ऐसी जहाँ लगनी शुरू हो जाती है वहाँ पे डिजीज आ जाती है जी। अच्छा। हाँ जी, फिर आ जाती है जी। फिर हमने फिर ठंडे एरिए में कम आती है जी। फिर यहाँ से कोई 20 किलोमीटर रैनका के एरिए में भी हमने लगाई है जी। वहाँ पौधे पैदा करने के लिए खाली पौधे पैदा किए जी, और फिर वहाँ भी डिजीज आ गई जी। उसके बाद हम धर्मपुर सोलन के एरिए में धर्मपुर जगह पड़ती हुई वहाँ 2-3 साल लगवाई हमने लोगों के पास, और पौधे हम लोगों से खरीदते थे, पौधे देते थे लगाने के लिए। उसके बाद फिर चैल के एरिए में जब वहाँ भी डीजे आ गई, फिर चैल के एरिए में, अब चैल के एरिए में भी 3-4 साल लगाए जी, वहाँ पर भी डीजे आ गई जी। फिर पौधे तो वहाँ तैयार होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर जो जैसा उसकी जड़ा साफ सुथरी होनी चाहिए, डिजीज नहीं आनी चाहिए, ऐसा वहाँ पर भी नहीं रहा है जी। फिर शिमला के एरिए में जी, शिमला एक एरिया भी 4-5 साल वहाँ भी लगाते हैं, लोगों को पौधे देने हैं, पौधे उनसे खरीदने हैं जी, और ऐसे करके मेरा शिमले में भी हमारा ऐसा। नौनी यूनिवर्सिटी के पूर्व निदेशक खोज डॉक्टर ओपी शर्मा हमारे साथ आए हैं, तो इनकी रहनुमाई में आज हम भोरेलाल जी के पास आए हैं, तो इनसे जानते हैं जो स्ट्रॉबेरी की बीमारी जो बता रहे हैं कि जहाँ भी उन्होंने जाकर के उसके एक्सपेरिमेंट किए लगाई जाकर तो वहाँ डिसीज आई, तो शर्मे से जानते हैं कि क्या है वो और उसका क्या उपचार है। जैसे जैसे सने सने इन्होंने अपना जमीन बढ़ाते गए स्ट्रॉबेरी के अंतर्गत, तो वहाँ बीमारियाँ और कीड़े आने शुरू हुए, और बीमारी इसमें जो जड़ों में जड़ सड़न रोग की बीमारी आती है वो फफूंद से आती है बीमारी। जैसे जैसे साल दर साल वहाँ पे इसकी स्ट्रॉबेरी की खेती उन्हीं खेतों में करते हैं, तो ये बीमारी बढ़ती गई, और आज भी अगर देखें तो ये काफ़ी बीमारी का प्रकोप है। यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है फॉरेस्ट्री वानिकी और क्या कहते अनुसंधान उद्यान विश्वविद्यालय ने इसके बारे में खोज की, और खोज करके यहाँ भी धौलाकुआ में भी जो हमारा स्टेशन था उसके अंतर्गत भी डॉक्टर चोपड़ा यहाँ थे, उसके बाद भी अन्य वैज्ञानिक भी रहे, और जो हमारे इसके बीमारियों के वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज की और उसका जो निदान निकालने की कोशिश की। एक तो ये है अभी बेबिस्टन 25 ग्राम 10 लीटर पानी में, और बेबिस्टन के साथ जो है बेबिस्टन डाइथिनम 45 ग्राम 10 लीटर पानी में, और बेबिस्टन जो है आपका जो है 10 ग्राम 25 लीटर में, दोनों का घोल डाल के जड़ों में भी डालना और पत्तों में भी करना। पत्तों पे भी एक स्पॉट से इसके बीमारी के आते हैं, इसको स्ट्रॉबेरी के धब्बा रोग कहते हैं, तो दोनों के लिए वो कारगर होती है, और इसको जो है 7-7 दिन के बाद कुछ दिनों पर रिपीट करना पड़ता है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता जिससे बीमारी ज़्यादा फैलती है पानी से, तो जहाँ जहाँ जब जब जरूरत होती है उस टाइम पे, पर बरसात के दिनों में इसको जो है पानी का निकास बड़ा ठीक तरह से होना चाहिए, नहीं तो बीमारी ज़्यादा फैलती है। भोरेलाल का मानना है कि नर्सरी के धंधे को अपनाकर किसान अपनी आमदन को आसानी से बढ़ा सकता है। धन्यवाद करना होगा हमें भोरेलाल का, जो किसानों को एक नया राह दिखा रहे हैं।